सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पर। तो साथियों, आज बात करेंगे कमला पसंद, इसके होलसेल के बिजनेस के बारे में। आप जो है कमला पसंद या गुटखा या जितने भी ये आइटम है, बहुत चलने वाले आइटम है, ये बहुत चलते हैं गली नुक्कड़ गांव घरों में, कहीं भी आपकी दुकान है तो बगैर इसकी दुकान चलनी मुश्किल है हिसाब से देखा जाए। क्योंकि इन चीज़ों की, ये गुटखा उटका चीज़ है, ये चीज़ें हैं, इनकी डिमांड ही इतनी है मार्केट में कि पूछो मत। जब भी कोई आए तो जो है हर कोई इसको यूज़ करना करता है। तो आज बात करेंगे कमला पसंद के बारे में। तो कमला पसंद का आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ, इसका होलसेल प्राइस क्या है और ये कितने का हमें पड़ता है, कितना होलसेलर होलसेल में कितना पड़ता है, दुकानदार को कितने में मिलता है, और जो है उसके बाद जो है ये कस्टमर को कितने में बेचते हैं। तो साथियों, चलो देर न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो कस्टम ये कमला पसंद की जो पूरी एक जो पेटी आती है, इसकी पूरी एक पेटी आती है, एक पेटी में 100 पीस आते हैं, पूरे 100 100 100 कमला पसंद के वो आएंगे गत्ते पैक। तो आप कोई दुकानदार इसको अगर होलसेलर से ख़रीदता है तो वो जो है वो चुकाता है उसमें 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये की उसकी पूरी एक पेटी आती है, या कोई अगर होलसेल में भी लेता है तो 12,500 रुपये की एक पेटी है। उसके बाद वो उसको बेचते हैं तो 5-5 रुपये का मार्जिन पर पेटी पर रखते हुए इसको उसको 130 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बेचते हैं। एक पैकेट में जो है 30 पीस होते हैं और किसी में 32 पीस होते हैं। तो किसी होलसेलर ने अगर 12,500 रुपये में पूरी एक पेटी खरीदी तो 5-5 रुपये पर उसमें रखते हुए मार्जिन रखते हुए अगर 100 पीसों को बेचता है, दुकानों में जाता है 100 पीसों को देता है, तो 5 रुपये उसके सीधे सीधे बनते हैं। ये हो गया उसका उसका मुनाफा। उसके बाद दुकानदार को कितने का मिलता है, दुकानदार का बताता हूँ। दुकानदार इसको जो है 130 रुपये का बैठता है दुकानदार को ये, और उसमें इसको एक कूपन भी निकलता है साथ में। तो कूपन का बेनिफिट जो है दुकानदार का होता है, उसमें 5 रुपये भी हो सकता है, 10 रुपये भी होता है, हो सकता है 15 रुपये भी हो सकता है। ये जितने भी इसमें अमाउंट का कूपन निकलेगा वो होलसेलर उसको पे पे करेगा, और होलसेलर उसको जो है कंपनी में जाके वहाँ से उसका पैसा ले लेगा। तो इसको जो है दुकानदार को काफ़ी बेनिफिट होता है इसमें। देखो 32 पीस का होता है वो, 30 पीस का, अब तो 32 पीस का आने लग गया है, 30 पीस का होता है, तो 30 × 5 150 150 रुपये बनते हैं। तो इसमें दुकानदार के इसमें 20 रुपये बनते हैं। अब जो 32 पीस का आने लग गया है, इसमें आप कूपन ही निकलता है, तो इसमें जो है आप 30 रुपये बनते हैं। तो दुकानदार ने ख़रीदा 230 130 रुपये में, उसके बाद उसने उसको बेचा, 30 पीस का हुआ तो उसमें 150 रुपये बने, तो 20 रुपये बने उसके, और एक कूपन निकल जाता है उसमें 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये तक का भी कूपन निकलता है। तो 20 रुपये वो बन जाते हैं, 20 बने 15 बने जो भी बने, तो 20 + 15 = 35 या 10 भी बने तो 30 हो गए। तो 30 रुपये उसका जो है बेनिफिट होता था। अब जो है 32 पीस का आने लग गया है तो उसमें बनते हैं तुम्हारे 160 रुपये। तो 160 रुपये, तो 30 रुपये उसको सीधा सीधा दुकानदार को मार्जिन होता है इसमें। तो इसमें ये गुटखा ये जितने भी चीज़ें हैं इनमें आइटम ये जितने भी, इसमें होलसेलर को कम मार्जिन मिलता है और जो है दुकानदार को ज़्यादा मार्जिन मिलता है। ले कोई अगर इसमें होलसेलर का काम अगर करना चाहता है तो भाई बंधु, तो उसका क्या होता है, वही काफ़ी बिकने वाले आइटम है। लेकिन आप स्टार्टिंग में अगर खरीद रहे हो या ले रहे हो, होलसेल में ले रहे हो, तो इसको जो है सीमित मात्रा में आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये आइटम ख़राब होने की भी डर रहती है इसमें। तो इसलिए आपको अगर ये काम आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सीमित मात्रा में करें, धीरे 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 करके जैसी डिमांड आपकी बढ़ती जाती है, आप उतनी आपको दुकानें भी कवर करनी पड़ेंगी। जैसे आपने 500 दुकानें कवर कर ली, तो 500 दुकानों में अगर आपने 500 पैक बेचे, 5,000 2,500 रुपये जो है सीधे सीधे होलसेलर के बन जाते हैं। उसके बाद दुकानदारों को उसमें बेनिफिट होना ही होना है, दुकानदार इसको रखेगा ही रखेगा, जितने भी दुकानदार हैं, हर दुकानदार इसको हर शहर में कहीं भी चले जाओ, ऑल इंडिया में ये चीज़ें आपको हर जगह मिलने वाली हैं। गुटखा गुटखा हो गए, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, तो इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका होलसेल का काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, दुकानदार भी इसको बहुत रखते हैं और कस्टमर तो इसको बहुत डिमांड रहती है कस्टमर की। तो जो भी भाई इसका अगर होलसेल का काम करना पड़ता है तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेना है, 1-2 पेटी फिलहाल स्टार्टिंग में लेना है। तो आपको 20-25 हज़ार में, 24-25 हज़ार में, जैसे 12,500 12,500, तो 24-25 हज़ार में आपकी 2 पेटी आ जानी है स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्टिंग करो तो 2 पेटी से ही करो, तो उसमें आपको 200 पीस मिल जाते हैं। 200 पीस में आपके जो है 500 500 रुपये के हिसाब से जो है 1,000 रुपये आपके सीधे बनते हैं। तो आप जो है ले जाओ दुकानदारों की स्टार्टिंग में, ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में पास पास के एरिया के जो उनको कवर करो। उसके बाद जब आपका लगे आपको ठीक ठाक चलने लगे तो फटाफट इनका ये निकल रहा माल, तो मंगाते रहो देते रहो। उसके बाद आप जो है दूर दूर तक जाओ, दूर दराज दुकानों में जाओ और वहाँ वहाँ इसकी सप्लाई दो, और आपको जो है काफ़ी अच्छा मार्जिन इसमें मिलने वाला है। तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे कोई वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।